नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये जो आप देख रहे हो इसको बरही कंद बोलते हैं। बरही यानी सूकर, बरही अवतार पता है ना आपको विष्णु भगवान का, वैसे ये बरही कंद है। इसको कई लोग सूकर कंद भी कहते हैं, बरही कंद भी कहते हैं इसको। बरही ये देखिए, इसके ऊपर मैं पास से दिखा दूँ। इस तरह से सूकर के शरीर में जिस तरह से बाल होते हैं ना, वैसे ही से इस कंद के ऊपर भी इस तरह से बाल होते हैं, इसलिए इसका नाम है बरही कंद। बेल होती है ये और नीचे इस तरह से कंद होते हैं। इसको एक कारण और है इसको सूकर कंद बोलने का, कि इसको सूकर बहुत खाता है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800, यही व्हाट्सएप यही पेटीएम नंबर है इसको। और जब ज़्यादा मात्रा में इसको सूकर खा लेता है तो आपने देखा होगा खास करके जंगलों में, तो कीचड़ में धस के सो जाता है और खूब सोता है। ये दो तीन प्रकार के आते हैं, एक कत्थई आता है, एक काला आता है और एक लाल आता है। काला तो बहुत कम मिलता है पर ये मिल जाता है। इसको काटोगे तो इसका जो अंदर से रंग आएगा ना, वो भी सूकर के गोश्त के जैसा हल्का सा पीला सा आएगा। मैं आपको छील के, ये देखो यहाँ दिख रहा होगा, ये ऐसा जैसा सूकर का गोश्त होता ना काला सा ऊपर से, वैसे ही ये भी उसी के जैसा होता है। इसलिए दो तीन कारणों के कारण इसको सूकर कंद या बरही कंद कहा जाता है। इसकी एक खासियत है मित्रों, ये खूब चिकता रहेगा। काला वाला जो होता है उसका रस निकाल के पारद बंधन में काम आता है और बड़ा दुर्लभ है। काला तो मिलता नहीं है, कत्थई मिल जाता है तो हम कत्थई से काम चला लेते हैं। परंतु ये पीला वाला ये खाने योग्य है, लाल और काला खाने योग्य नहीं है क्योंकि वो अतिशय तीव्र होता है। और ये नींद लाने वाला चीज़ है। जिनको नींद नहीं आती या जिनके दिमाग में हमेशा उपापोह चलता है उसके काम की चीज़ है ये। इसको हम जो नींद लाने वाला चूर्ण है उसमें मिलाते हैं और ये पौष्टिक भी बहुत है, ताकतवर है, पौष्टिक है, मसल्स को पक्का करता है, मजबूत करता है और रिलैक्स करता है शरीर को, उसके काम की चीज़ है ये, इसलिए इसका नाम सूकर कंद है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके धूप में सुखा लिए जाते हैं और पाउडर बना के एक एक चम्मच सुबह शाम खाओ तो जिनको जिनको अस्वाद रोग है, अस्वाद मतलब काम में मन नहीं लगेगा, दिमाग को चाट रहेगा क्योंकि उनके दिमाग में दिन भर विचार रात भर विचार चलते हैं तो उनको फिर नींद नहीं आती। और जिसको नींद नहीं आएगी उसका पूरा शरीर खराब हो जाता है, उसका पूरे शरीर में गर्मी आ जाएगी, दिमाग में गर्मी बैठ जाएगी, खाना अच्छे से पचेगा नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, लीवर में ताप तिल्ली हो जाएगी। तो ये उन सब रोगों को समूल नष्ट करता है। जिसको ताप तिल्ली है, शरीर में अत्यधिक गर्मी है, एसिडिटी गैस है, नींद नहीं आती है, तो ये उस सब के काम की चीज़ है मित्रों, ये बरही कंद या सूकर कंद। ये शरीर को ताप को कम करता है, शरीर को पुष्ट करता है, खून की चाल को जिनमें बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया हो उसको भी, बीपी को भी ये कंट्रोल करता है, रक्त को शुद्ध करता है और दिमाग को शांति प्रदान करता है। जब दिमाग शांत हो जाता है तो फिर नींद अच्छी आती है, ये उसके काम की चीज़ है मित्रों, ये बरही कंद। और ये ठंडी जगह पे मिलता है, इसकी बेलें बड़ी बड़ी बेल चढ़ जाती हैं ऊपर और नीचे खोदो तो कंद निकलता है। इसके तांत्रिक क्रियाओं में भी इसको काम लिया जाता है। इसके छोटे छोटे जो कंद होते हैं उसको अगर घर में लगा दिया जाए तो किसी प्रकार की फिर उपद्रव बाह बाधा नहीं होती। जैसे बोलते ना कई लोग सुअर का दांत पहन लो, तो वो तो मिलता ही नहीं है। आजकल बैन लगा हुआ है भारत सरकार का वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत, आप पे कार्रवाई हो सकती है अगर मिल गया तो, जंगली सुकर का दांत। उसकी जगह इसको अगर जिंदा, मैं इसलिए हमेशा जिंदा जड़ी बूटी की बात करता हूँ, इसका छोटा सा कंद है हमारे पास, आप गमले में लगा दो तो फिर
ये नजर वजर उपद्रव ये सब शांत होते हैं, क्योंकि शुकर बड़ा ढीठ जानवर है, उसके ऊपर कोई चीज़ चलती नहीं, गोली भी मारो तो मरता नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से मरता है। तो इस तरह के उपद्रव जो रहते हैं आपके दैनिक जीवन में उत्पन्न होते हैं उसको भी शांत करता है। इसमें से छोटे वाले डाल देना इधर दो तीन, ये देखिए मैं छोटे भी दिखा देता हूँ, मैं तो जिंदा जड़ी बूटी पे विश्वास करता हूँ मित्रों। ये देखिए ये छोटे कन्न हैं, ये उग जाते हैं बढ़िया गमले में, मरते नहीं हैं ये कभी, बड़े जीवट चीज़ है ये। इसको अगर आप अपने गमले में घर में लगा दें उत्तर की दिशा में, तो फिर ये जो अनावश्यक बाधाएं रहती है आपके घर पे, वास्तु दोष हो, शनि का प्रभाव हो, तो ये सब समूल नष्ट कर देता है। ये जिंदा जड़ी बूटी में तंत्र मंत्र में बहुत अच्छा काम आता है, और औषधि कार में भी ये शुकर कंद या बरही कंद, क्योंकि भगवान विष्णु का बरही अवतार है, तो जब हम इसको घर में लगा देते हैं तो ये बाह बाधा रुक के हमारे घर में सुख शांति और धन संपत्ति का भी आवाहन शुरू हो जाता है, ऐसा तंत्र कहता है। तो ये मैंने आज आपको इस बरही कंद से या शुकर कंद से अवगत कराया, बहुत ही दिव्य चीज़ है मित्रों, आयुर्वेद में भी और मांस मज्जा को भी मजबूत करता है। मांस मज्जा यानी तंत्र और मांस, जो आपकी बुढ़ापे के कारण या असमय जो चमड़ी लटक जाती है ना, उसको भी ये ठीक कर देता है, चेहरे की रंगत को बढ़ा देता है। ये दुबले पतले जो लोग रहते हैं ना, जिनको ऊपर गोश्त नहीं चढ़ता हड्डी पे, तो इसको खाने से वो खूब खाना खाएंगे, लीवर अच्छा काम करेगा और तंदुरुस्त हो जाते हैं। मैं मोटे की बात नहीं कर रहा, मोटापा नहीं बढ़ाता ये, तंदुरुस्ती को बढ़ाता। तंदुरुस्ती और मोटापा दोनों में बहुत अंतर है मित्रों। लोग मोटे आदमी को देख के बोल देते हैं ये बड़ा तंदुरुस्त, तंदुरुस्ती चीज़ अलग चीज़ है। तंदुरुस्ती का मतलब होता है स्वस्थ, बिल्कुल फिट सब चीज़, और मोटापा थुलथुलापन है जो वो मोटापा कहलाता है। तो ये तंदुरुस्ती को बढ़ाता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद, नमस्कार। मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दिया है, ये मेरा मोबाइल नंबर 9165823800, यही व्हाट्सएप नंबर, नमस्कार।